तो आज के इस वीडियो का सब्जेक्ट है CSTXC वर्जन के बारे में, जो 3 और 4 वर्जन है। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे, मैं सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा और पूरा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर। और एक जो मेन जो क्वेश्चन जो था कि ओरिजिनल OEM सिग्नेचर की को कैसे वापस हम लोग अपने डम के अंदर डाल दें, तो उसको हम लोग लास्ट में वो देखेंगे। तो इस वीडियो को के हर एक पार्ट को आपको बारीकी से चेक करना पड़ेगा। इसमें से कोई भी चीज़ अगर स्किप होती है तो आप सक्सेसफुली CSTXC के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ को आप नोट और पेन ले लीजिए, मैं आपको फाइल भी दे दूंगा, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि एक बार ये वीडियो देख देख के अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा जब भी आपके पास में केस आए। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि आपको जो टेलीग्राम के अंदर जो मेरा एरिस्ट डाउनलोड का जो चैनल जो है, जिसका एड्रेस है t.me/एरिस्ट डाउनलोड, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके, सबसे पहले वहाँ पे जाके इस लिंक को, यानी कि RSA की केस स्टडी वाली फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर मैंने सब कुछ रखा हुआ है जो आपके CSTXC 3 वर्जन के लिए काम में लगेगा। तो इसको मैं अभी सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ और देखो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें क्या क्या काम करना है। इसी फाइल को आप एक रेफरेंस में लीजिए और आप अपने वहाँ पे भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार प्रैक्टिस करने से फिर आने वाले किसी भी TXC 3 और 4 वर्ज़न के लिए आपको ये आसान हो जाएगा। तो मैं इसको अभी डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। तो अभी ये हमारा पूरा डाउनलोड हो चुका है, तो अभी इसके लिए अभी हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अगर ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आपका विनरार का वर्ज़न जो है वो शायद पुराना होगा, तो आप उसके लिए 7-zip डाउनलोड कर लीजिए या फिर विनरार का जो वर्ज़न है वो अपग्रेड कर लीजिए। तो एक बार उसको एक्सट्रैक्ट करके इसको हम यहीं पे हमारा फोल्डर जो है वो बना देते हैं। तो ये है हमारा RSA की का केस। तो अभी इसके अंदर हम लोग जाएंगे और आप इसका फाइल के अंदर देख लीजिए। एक बार मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने रखी है, जो इस अपनी जो CSTXC के लिए हम जब उसका OEM सिग्नेचर वाला RSA सिग्नेचर का केस जब हम सॉल्व करेंगे तब इतनी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो हर एक फाइल को पहले समझ लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है मेरे पास में ME एनालाइज़र जो हमारे ME वर्जन को बताएगा। एक है मेरे पास में एक एमी की एक रेपोस्टरी पैक जो हमारी जो ये ओरिजिनल फाइल जो है उसके अंदर एमी का जो TXC का जो वर्ज़न होगा वो वर्ज़न फाइल इसके अंदर है। एक है RSA की जनरेटर, हमें एक की जनरेट करनी पड़ेगी RSA सिग्नेचर की। तो एक जनरेटर आपके लैपटॉप या फिर आपके काम के लिए आपको खुद जनरेट करना है, वो कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक है CSTXC जो FITC टूल आता है वो, और ओपन SSL, तो इसी के उपयोग से हम लोग SMIP की एक की जनरेट करेंगे। अभी मैं जो वर्डिंग जो यूज़ कर रहा हूँ उसका डिटेल आपको तभी पता चलेगा जब हम लोग उसको डिटेल में वर्क करेंगे। तो आप स्टेप्स को ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप एक नोट बना लीजिए और जितने जितने स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ उसको क्रम अनुसार लिखते जाइए, या फिर वीडियो को दूसरे किसी कंप्यूटर पे चलाइए, प्ले पॉज करते करते इसी वीडियो के अनुसार आप अपना काम इस फाइल को एमी क्लीन करने के लिए कीजिए और फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास में एमी एनालाइजर है, जो अभी मैं एमी एनालाइजर मेरे पास में यहाँ पे भी एक पड़ा है, एक ही है एमी एनालाइजर। तो इसको, इस फाइल को हम लोग सबसे पहले एग्जामिन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकेंगे कि ये एक CSTXC 3.1.50 है और आज का हमारा केस है 3 और 4 वर्जन के लिए। तो आप दोनों में सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे OEM कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है यस प्रोडक्शन रेडी, और डेट इनिशियलाइज मोड पे है। इसको हमें बनाना है कॉन्फ़िगर्ड, तो इसको अभी हमें कन्फ्यूगर्ड बनाने के लिए और यहाँ पे RSA सिग्नेचर की वैसे ही रखने के लिए
यहाँ पे OEM कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमें यस है, यानी कि हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा वर्ज़न 3.1 के लिए, या फिर 3 और 4 के लिए, और TXC के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या प्रोसेस करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ओपन SSL ये हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रख देना है। तो यहाँ पे मैं अभी मेरे सिस्टम के अंदर इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा, सी प्रोग्राम फाइल्स ओपन SSL Win64, ऐसा एक फोल्डर बनेगा, इस पाथ को आप याद रखिए। इसको नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। एक बार ये इंस्टॉल हो जाने के बाद में हमें एक की जनरेट करके रख देनी है, उसके बाद में हम लोग FITC टूल रन करेंगे। तो उस की का क्या काम करना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेप बता रहा हूँ उसी स्टेप से आपको भी अपने लिए प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको अभी हम लोग कर लेते हैं फिनिश, और अभी हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें करनी है एक की को जनरेट। तो की को जनरेट करना है, यानी कि वो किस लोकेशन में की को जनरेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसको प्रोग्राम फाइल्स में ओपन SSL का एक फोल्डर बना होगा, जो हम लोगों ने अभी अभी इंस्टॉल किया है, उसके अंदर बिन करके फोल्डर है, उसके अंदर आ जाइए। अभी यहाँ पे वापस आके हमारा सेकंड स्टेप है हमारी एक आरे से की को जनरेट करना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक, आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप जो कोई भी काम करो राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही आपको करना है। तो रन एज ए, और यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक aris.pem एक फाइल जनरेट हो चुकी है। तो ये फाइल जनरेट हो गई, यानी कि हमने एक अपनी की जनरेट करके यहाँ पे रख दी है। अभी हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, इसको अभी हम लोग मिनिमाइज करके रख देते हैं। हमें फाइल जो है ये, इसका हमें TXC रीजन जो है वो हमें करना है क्लीन, और उसको बनाना है कन्फ्यूगर्ड। हमारे पास में यहाँ पे FITC का टूल है, उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लो। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने आगे बताया वैसे ही, अगर ये एक्सट्रैक्ट नहीं होता है तो आप अपना विनरार का वर्ज़न एक बार अपग्रेड कर लीजिए। ये CSTXC का फोल्डर में आना है। अभी यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इतने फोल्डर है, लेकिन हमें फ्लैश इमेज टूल में जाना है विंडोज़ 32, और यहाँ पे दो फाइल ही होनी चाहिए, तीसरी कोई फाइल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ना ही FITC का लॉक फाइल या फिर और कोई अदर फाइल। अगर है तो उसको डिलीट कर दीजिए। आप दो तीन बार काम करोगे यहाँ पे अलग अलग फाइलें जनरेट हो जाएगी, तो उन सबको डिलीट कर दो। या फिर आसान रास्ता यही है कि आप इसके फोल्डर को डिलीट कर दो पूरा, और वापस उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। तो जब भी आप किसी भी TXC को क्लीन करना चाहते हो, उस समय में फ्रेश आपको एक्सट्रैक्शन करके ही चीज़ों को यूज़ करना है। तो फ्लैश इमेज टूल के अंदर हमें ये दो फाइलें जो है, ये दो फाइलें होनी चाहिए, और हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है एक मैनिफेस्ट एक्सटेंशन यूटिलिटी। तो इसके अंदर MEU.exe इस फाइल की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब मैं प्रोसेस करूँगा ये सब चीज़ें मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो आप इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे CSTXC के अंदर इन दो फोल्डरों के अंदर जो रही फाइलें हैं, हमें इन दोनों को ही यूज़ करना है, बाकी की चीज़ों को हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अभी आ जाते हैं वापस और चीज़ों को देख लेते हैं। तो RSS सिग्नेचर हमने ले लिया, TXC एक्सट्रैक्ट कर लिया, ओपन SSL इंस्टॉल कर दिया। अभी काम है हमें इसको क्लीन TXC करने का। तो CSTXC का जो फोल्डर है उसको ओपन करिए, और उसमें से फ्लैश इमेज टूल में जाइए Win32। अब इस पाथ को पूरा याद रखिए, हम लोग यहाँ पे हैं। अभी इसको feed.exe आपको याद रखना है, इसको हमेशा रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको एक बार ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अभी हम लोग सबसे पहले, आप स्टेप यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, कोई भी स्टेप आपका चूकना नहीं चाहिए, ना तो आगे पीछे होना चाहिए, सेम टू सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आपको मैंने फाइलें दी है, उसी अनुसार आप वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। पहले ओपन करिए, और उसके बाद में चले जाइए हमारे डायरेक्ट मेन फोल्डर में, RSA की केस स्टडी वाली लोकेशन पे, और हमारी ये 8 MB की एक फाइल है उसको करिए ओपन, जो हमारी एक TXC फाइल है। ये ओपन हो जाने के बाद में हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करना है,
और वहाँ पे जाके हमें यहाँ पे SMIP साइनिंग की के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे साइड पे अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे हमें साइन इन की देनी है। तो हमने ऑलरेडी पहले की जनरेट की है, तो सी में चले जाइए, वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ओपन SSL और उसके अंदर बीन, और उसके अंदर हम लोगों ने की जनरेट की थी harris.pam, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये एक टेम्पररी की है, इस की को हमें रिप्लेस करना है, वो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको भी रिप्लेस करना है। तो अभी क्लीन करने के लिए हमें एक टेम्पररी की उसको देनी पड़ेगी। हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है, जाना है बिल्ड में, और वहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स में, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जनरेट इंटरमीडिएट फाइल्स के अंदर जो ऑप्शन है उसको आपको करना है नो। उसके बाद में आप आ जाइए नीचे, यहाँ पे इंटेल मैनिफेस्ट एक्सटेंशन यूटिलिटी पाथ, तो यहाँ पे हमें देनी है वो पाथ, यहाँ पे क्लिक करिए, और आपको मैंने बताया था फ्लैश इमेज टूल के अंदर मैनिफेस्ट एक्सटेंशन यूटिलिटी करके फोल्डर है, उसके अंदर Win32 और उसके अंदर MEU.exe, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद में साइन इन टूल पाथ, यानी कि इसके लिए हमें देना पड़ेगा उसको OpenSSL का पाथ। तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर OpenSSL का जो फोल्डर है उसमें जाना है, OpenSSL के फोल्डर में जाके जाना है बीन में, बीन में जाके हमें OpenSSL.exe फाइल को सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया OpenSSL.exe, और यहाँ पे वेरीफाई मैनिफेस्ट साइनिंग के अंदर नो कर देना है। एक बात ध्यान में रखिए, जो मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ वो TXC 3 और 4, ये दो वर्ज़न के लिए ही ये सब चीज़ें है, मैं और अलग चीज़ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ TXC 3 और 4 के लिए। इसको कर दीजिए क्लोज। ये थे हमारा तीसरा स्टेप। अभी हमारा चौथा स्टेप क्या होना चाहिए? तो चौथा स्टेप हमारा होना चाहिए कि फाइल के ऊपर जाके इसको कर दीजिए सेव, और सेव आप जहाँ कहीं भी हुए उसको सेव करके रख लीजिए। ये आपको लोकेशन याद रखना है, फ्लैश इमेज टूल में Windows 32 के अंदर यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं सेव। सेव कर देने के बाद में हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे। तो जो हमने सेव की थी ना फाइल, वो ये थी untitled.xml। ओके, अभी हम लोग चले जाते हैं वापस अपने RSA की मेन रूट के अंदर, और यहाँ से हम लोग इस फाइल को लेंगे जो हमारी रेपोस्टरी पैक में से मैंने एक्सट्रैक्ट करके ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है। इसको आप कर दीजिए यहाँ से कॉपी, और चले जाइए CSTXC के फोल्डर में, CSTXT सिस्टम टूल, फ्लैश इमेज टूल, इसमें अंदर Win32 और इसके अंदर Aspire A315, ये FITC ने अपने आप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया है। इसके अंदर डिकम्पोज वाला फोल्डर, डिकम्प्रेस वाला सॉरी, और यहाँ पे इसको कर दीजिए पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे TXC रीजन यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको समझो यहाँ पे TXC की जगह पे ME रीजन या फिर TXC रीजन या फिर ME/TXC रीजन, ऐसा कुछ भी दिख सकता है अलग अलग फाइलों के अनुसार। तो आपको इस TXC रीजन को यहाँ से रीनेम के लिए क्लिक करना है, और इसको Ctrl+C करके इस वर्ड को आप सेव कर लीजिए। Ctrl+C दबाया मैंने, और इस फाइल को कर दीजिए डिलीट। तो मैंने डिलीट कर दी। अभी इस फाइल को हमें रीनेम करके वहाँ पे रख देनी है, Ctrl+V TXC रीजन.bin। तो यहाँ पे मैंने जो अलग से जो रेपोस्टरी जो थी उसको रीनेम करके हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अभी इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, वापस FITC में चले जाइए, और यहाँ पे अभी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ से करना है ओपन, और untitled.xml फाइल जो अभी हमने सेव की थी इसको कर देना है वापस ओपन। ये ओपन हो जाने के बाद में जाना है यहाँ पे बिल्ड, बिल्ड में जाके करना है बिल्ड इमेज, और यहाँ पे कर दीजिए यस। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के अंदर काम करेगा। अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाती है फेल टू बिल्ड, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस उसको बिल्ड पे जाके वापस आप इसको करिए। यहाँ पे कोई एरर आपको दिखनी नहीं चाहिए। अभी एरर निकल के कोई एरर आई नहीं है यहाँ पे काम करने में,
और हमारी एक आउटपुट इमेज डॉट बीन फाइल एक हमारी जनरेट हो चुकी है। तो आ जाइए सीधा ही RSA की वाले फोल्डर में CSMETXC और फ्लैश इमेज टूल Win32 और यहाँ पे ये फाइल जो है वो है हमारी क्लीन TXC वर्जन। इसको अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। एमी का टूल जो है उसको ओपन कर लेते हैं और एमी एनालाइजर के अंदर इस फाइल को लगाते हैं और कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल जो है वो बनी हुई है कॉन्फ़िगर्ड फाइल जो पहले थे इनिशियलाइज, लेकिन अभी हमें ओरिजिनल की जो है वो हमें वापस रखनी है। तो वर्जन 3 और 4 के लिए आपको ओरिजिनल OEM कॉन्फ़िगरेशन वाली की वापस पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है अभी हम लोग वो देखेंगे। को 3 और 4 वर्जन है तब आपको ये करना है। तो आउटपुट डॉट इमेज फाइल को वापस मैं एमी एनालाइजर के अंदर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके माइनस DFBT यहाँ पे लिखना है और एंटर करना है। तो ये लिखने से होगा ये कि हमें एक SMIP का पूरा डिटेल आएगा। तो यहाँ पे देखिए SMIP का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2000, यहाँ पे स्टार्ट देखिए ऑफसेट उसका ऑफसेट है 2000 और उसकी साइज़ जो है वो 4000 और इसका एंड है 6000। तो हम इस 4000 लेंथ को हम लोग कंसिडर करेंगे। SMIP की जो की जो है हमारी इसी एड्रेस के अंदर लोकेटेड है जो हमारी नई बायोस जो बायोस फाइल जो जनरेट हुई है उसके अंदर। तो उसको अभी हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, अपनी ओरिजिनल SMIP की लगा देते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट इमेज डॉट बीन फाइल को खोल दीजिए और ओरिजिनल OEM की जो है जो इस बायोस की थी वो हमारी फाइल के अंदर ही रहेगी जो हम लोगों ने ऑलरेडी रीड की है मदरबोर्ड से। तो इस फाइल को ओपन करिए। तो ये देखिए एस्पायर A315 जो है वो हमारी ओरिजिनल फाइल और ये आउटपुट वाली हम लोगों ने बनाई है वो। अभी एस्पायर A315 वाली फाइल में जाइए, यहाँ पे सर्च में जाके गो टू करिए। गो टू के अंदर हमें कौन सा ऑफसेट सर्च करना है तो आपको ध्यान में रखना है SMIP, आपको बूट पार्टीशन डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर आना है सबसे पहला जो है और उसके अंदर SMIP को सर्च करना है और यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है तो इसका एड्रेस जो है वो 2000 से स्टार्ट होगा और हमें ये ध्यान में रखना है ये बिगिन में रहना चाहिए शुरुआत के अंदर यानी कि, और इसको कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं उसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है यानी कि SMIP का डेटा यहीं से वो स्टार्ट हो रहा है इस यहाँ से 2000 से। अभी हमें करना क्या है तो इसको मैं इस तरह से साइड पे रख लेते हैं। तो 2000 SMIP है और इसकी लेंथ जो है साइज जो है वो यहाँ पे 4000 है। तो यहाँ पे क्लिक ऑलरेडी है ही, ब्लिंकिंग यहाँ पे हो ही रहा है। तो हमें करना है कि एडिट में जाके सिलेक्ट ब्लॉक, आप एक बात खास ध्यान में रखिए आप पुरानी फाइल में से लेना है तो पुरानी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए और स्टार्टिंग ऑफसेट होना चाहिए 2000, जो हमारा स्टार्टिंग ऑफसेट ये रहा स्टार्ट 2000 और हमें लेनी है साइज 4000। तो लेंथ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे 4000 पे सिलेक्ट कर लीजिए और 4000 लिख के इसको करिए ओके। तो यहाँ पे 4000 तक की लेंथ को ये सिलेक्ट कर लेगा तो इसको हमें कर लेना है कॉपी। ये हमारी पुरानी फाइल की ओरिजिनल OEM कॉन्फ़िगरेशन वाली RSA की है, इसको ले लेना है कॉपी कर लेना है और वापस चले जाना है आउटपुट इमेज जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई है लेकिन इसके अंदर इसकी ओरिजिनल की नहीं है, हमें रिप्लेस करना है। प्रोसेस सेम है, यहाँ पे एडिट में जाके सॉरी सर्च में जाके गो टू 2000 पे चले जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट ब्लॉक 2000 से लेके 4000 तक का ब्लॉक हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करिए और पेस्ट राइट लिखिए उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए।
तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पुरानी जो बायोस की फाइल थी उसमें से उसकी की ले ली। अभी इसको हमें कर लेना है सेव। इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। अभी ये फाइल आपको आपके कंप्यूटर के अंदर लगानी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे CSETXC को अगर हमें RSA की को अगर हमें रिप्लेस करना है तो इसका एक प्रोसेस है और इसका ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप एक बार इसका एक्सपीरियंस करिए। आपके पास में फाइल है, मैंने आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ये SMIP का डेटा आपको रिप्लेस करके आप एक बार उसका रिजल्ट चेक करिए। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर लिखिए, मैं जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और आगे भी इस तरह के कुछ नॉलेजेबल वीडियो अगर बनते हैं तो मैं ज़रूर नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके सामने उपस्थित रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा।